गाइस आज हम आया हुआ है योरतुम का गोम्पा में। फर्स्ट टाइम आया हुआ आज इधर, नहीं तो बहुत बार ये रास्ता से गुजर चुका हूँ, कभी आने का मौका नहीं मिला इधर तक। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, फाइनली आई मेरी। और बहुत सारा आदमी भी है अभी। बहुत सारा आदमी है तो तरी कौन सा गाड़ी है ये? एंडीवर। व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। बढ़िया लोकेशन में बना है और यहाँ पे एक पॉन्ड भी है। पानी अभी बहुत गंदा है। वो स्टैचू को लकड़ी के ऊपर बिठाए। नमस्ते। आप लोग का आज कुछ प्रोग्राम है क्या? हाँ, उधर भी गुरु रंपोचे जन्मदिन आज। इस तरफ वो क्या है वो, ये बिल्डिंग लोग गेस्ट हाउस। यहाँ पे भी घर है। इतना सुंदर सा गोम्पा बना के रखा है। तो गाइस कैसा लग रहा है ये जगह? आएगा एक बार यहाँ से व्यू दे दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस क्या सुंदर लोकेशन में बनाया है ये गोम्पा। यहाँ ये सब खेत है और वो रहा योरतुम विलेज और वो रहा मानकोता। तो उधर से होके हम लोग देवकोता मोनेस्टेरी जाते हैं। शानदार। ओ यहाँ पे एक मिथुन का बच्चा को बांध के रखा है। डर रहा है। वाव। कितना कलरफुल लग रहा है। और ये सब शेल है बजाने के लिए। ओके ये खाने वाला चीज है ना?
चावल से बनता है और ये सब ढेर सारा गैस सामान रख के रखा है। तो जैसे कि आप लोग को बताया है वो लामा जिनसे मिला था आज, उन लोग का जो गुरु रिंपोचे है उसका बर्थडे है। तो इस वजह से उधर आगे में उन लोग खाना पीना भी अरेंज कर रहे हैं, बहुत आदमी दिखाई दिया था। क्या हुआ ये, लेकिन बहुत सुंदर है ना, बहुत बढ़िया है सजाया। ये लींबू को ये चीज अच्छा लगा, ये देखिए। ऊपर ये दलाई लामा नहीं, वो दलाई लामा है ना। गाइस हम तो बस ऐसे एक शॉर्ट वीडियो लेगा बोल के वीडियो को शुरू किया था, लेकिन इसीलिए मतलब व्लॉग बनाने का प्लान नहीं था। जो भी हो एक छोटा मोटा व्लॉग बना ही देता हूँ। और भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, खोल। सही है सही है। यहाँ पे एक पाइन ट्री भी है। और हाँ तालाब वो ऊपर भी गए से एक सुंदर सा एक बुढ़ा स्टेचू दिखाई दे रहा है, जाएगा उधर तक ऊपर दूर है ना, ऊपर से मतलब व्यू बहुत अच्छा दिखता है देखने के लिए, लेकिन उधर में भी एक प्यारा सा घर। ये है ना गैस गैस हाउस, उधर भी घर है। मानना पड़ेगा गैस, लेकिन इतना रिमोट रिमोट एरिया में भी इतना शानदार गुम्फा बनाते हैं तो है, लेकिन भगवान के नाम पे लोग सब कुछ करने के लिए तैयार होता है ना। और ये सीढ़ी भी सब लकड़ी से बनाया वाला है। पधारिए।
महारानी। हम भी एक दो फोटो खींच लेते इधर। वापस जूता पहन लेता हूँ। ऐसे कुछ ओकेजन नहीं होने से तो यहाँ पे आदमी बहुत कम दिखाई देते हैं, बिल्कुल नाका बराबर। ये व्यू अच्छा लगा दे। अभी तो ये मेरा पार्टनर लोग बोल रहे हैं ऊपर तक नहीं जाएगा बोल के, लेकिन जा सकने से ठीक था। रुको ना, कहाँ जाएगा? और गाइस ये घर के अंदर भी वो पता नहीं मुझे, मतलब इसको क्या बोलते हैं ऐसे जो घुमाते हैं, यहाँ पे भी है। ये देखिए 4, 1, 2, 3, 4 और कुछ सुंदर सुंदर फूल भी लगा के रखा है। इसमें गाइस मछली है बोला है, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल मड्डी है, दिख नहीं रहे एक भी। क्या है वो? यहाँ में किचन है उन लोग का। नमस्ते। हाँ हम खाएगा, भूख लग रहा है ना। चलो नमस्ते दादाजी। उसमें क्या आने का बात है, हम तो भूख लग रहा था। हाँ जी जी, वैसा भी हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। उन लोग का यहाँ पे कम्युनिटी फीस हो रहा था, इसी मौके पे हम भी खा लेते हैं। गाइस ये रहा किचन, यहाँ पे काउंटर है और अंदर स्टोव वगैरह। सेल्फ सर्व है क्या, फूड लेना पड़ता है? हम डाल दे रहे हैं। हाँ तो गाइस क्या क्या है तो थोड़ा दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे चावल और ये आलू फ्राई, यहाँ दाल और ये क्या है भाई, ये चटनी, और ये दही चटनी है भी। ओ ये दही चटनी, ओके ओके। ठीक है गाइस, अभी खाना खा लेता हूँ। सिंपल सा खाना है लेकिन बहुत ही टेस्टी है, और स्पेशली ये जो चटनी था बहुत ही मतलब अच्छा से बनाया है। और साथ में हमें ये उन लोग का जो लोकल जो बीवरेज है अल्कोहलिक, इसको कोजा अप्रूव बोलते हैं, ये भी दिया है। एक बार पी के देखता हूँ। ठीक है बड़े। तो गाइस खाना खा के हो गया, बहुत ही मज़ा आया। एकदम बढ़िया लगा खाना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है चलता हूँ ना।
चलते हैं। मेरा ग्लोव्स और चाबी चाबी आज गए सब कुछ मतलब सही हो रहा है। अभी रास्ते में एक आदमी मिला था लिफ्ट के लिए, तो ऊपर से मेरा लगेज भी बहुत था और वो भी बहुत मतलब हेवी था, तो हाँ हाँ हमें दिक्कत हो रहा था। लेकिन लकीली मतलब एक गाड़ी मिल गया, तो वो गाड़ी से मतलब वापस तुतिंग चला गया, क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़राब है और ऊपर से भूख भी लग रहा था। अभी यहाँ आके खाना भी मिल गया। दे सवार दे तो गाइस, ये एक छोटा सा व्लॉग था। एक्चुअली मुझे व्लॉग बनाने का प्लान भी नहीं था, बस एक शॉर्ट एक ये गोम्पा का वीडियो लूंगा बोल के आया था इधर। लकीली मतलब टर्न आउट टू बी ग्रेट वन, और इतना सुंदर गोम्पा भी देखने मिला, आप लोगों को भी दिखा सका। सो दैट्स ऑल, ये व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। डू चेक आउट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। अगर आप लोग को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू। सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग।